हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूँ मोहम्मद। और मैं हूँ जफर इकबाल। और भाई, देखने जा रहे हैं एपिसोड 140 का चौथा पार्ट। तो पिछले पार्ट में जैसा हमने देखा, बिल्कुल भाई, अब नंदी जी तो महादेव जी के पीछे पीछे ही हैं, लेकिन फिर भी महादेव जी भाई कोई नहीं, बस आगे ही चलते जा रहे हैं। बाकी आगे देखते हैं, करते वीडियो स्टार्ट। और इस रूप में मैं सह नहीं कर पाऊँ, इसलिए मैं पत्थर रूप धारण कर रहा हूँ ताकि इस दुख की अनुभूति ना हो। किसका रूप? एकांतवास से लौटने पर आपके स्पर्श से मैं पुनः वास्तविक रूप में प्रकट हो जाऊंगा। देव जी किधर जा? देवी, मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आपका तन तो स्वर्ग लोक में है परंतु मन यहां से कहीं बहुत दूर है। मेरी समस्या का समाधान आपके लिए संभव नहीं होगा देवराज। देवराज इंद्र के लिए क्या असंभव है देवी? आप आदेश करिए। मैं शिव से प्रेम करती हूँ। आप समझे। और उनसे विवाह करना चाहती हूँ। यदि मैं जानती इसकी संभावना है तो आजीवन उनकी प्रतीक्षा कर लेती, किंतु मैं जानती उनके मन में मेरे लिए कोई स्थान नहीं। उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से कहा है कि वो विवाह करेंगे तो केवल सती जब उनका पुनर्जन्म होगा। यदि ऐसा है तो यार महादेव शीघ्र ही विवाह करेंगे। चक्री सुंदर, क्योंकि आदिशक्ति आपकी माता मेधावती के गर्भ से सुन लिया, अर्थात आपकी बहन से महादेव का विवाह होगा। ओ यार चक्री ने सुन लिया, बहुत काम खराब। ये आपको कैसे पता चला? आदिशक्ति ने स्वयं आपकी माता को यह वरदान दिया है। बालाजी के मंदिर में आपकी बहन अर्थात शिव की होने वाली पत्नी का जन्म होने जा रहा है। ओह यार, सब कुछ सुन लिया है इधर, वो जा रहे हैं। क्या कर दिया देवेंद्र, मामला अब बहुत खराब है। खबर आश्चर्य गुरुदेव, आश्चर्य, शत शत प्रणाम आपकी इस अतुल्य सोच पर। लो क्या युक्ति निकाली है, एक ही बार में तीर सीधा लक्ष्य पर जा लगा। लो और सारी की सारी जानकारी एक साथ प्राप्त हो गई। गुरुदेव क्या सोच रहे हैं? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि आदि शक्ति के पुनर्जन्म की सूचना हमें प्राप्त हो गई। अब आपका ये शिष्य आदि शक्ति का वध
अवश्य। चक्री ने जाकर सुन लिया सारा। आज से पूर्व हमें अपने किसी भी निर्णय पर इतनी आत्मग्लानि नहीं हुई तारकासुर। हाँ गुरुदेव, आत्मग्लानि नहीं अभी तो आपको तो गर्व होना चाहिए। यह हम असुरों के हित में आपने अपनी सोच का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत। चक्री आ गया सुराज, जाओ जाकर भैरूपा को बुला कर ला। लो जी। देखना चाहिए। पारुबा, मैं तुम्हें एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य हेतु भेज रहा। तुम भेज बदलकर दक्षिण दिशा की ओर जाओ, वहां बालाजी का प्रख्यात मंदिर, वहां तुम्हें एक नवजात कन्या का वध कर। शुक्राचार्य ने सब बताया भी है और फिर आप परेशान भी। क्या आदि शक्ति का भेजा। क्या बात है।
से आंसू। ओए होए होए यार क्या ये साज। यार एक बहुत चीज है जो ये नहीं देखी जाती। बिल्कुल भाई यार, बाकी सब कुछ देख ले देख रहे हैं भाई, लेकिन यार क्या एक पार्ट था। तो एक ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि भाई अपनी सोच से भी हटकर हो रही हैं कि शुरू में तो थोड़ा सैड पार्ट है क्योंकि नंदी जी तो ये है कि उनसे भाई दुख नहीं देखा जाता महादेव जी का। मैं तो बोलता हूँ भाई किसी से भी नहीं देखा जाता, उनके जितने भी भक्त हैं तो वो थोड़ा मुश्किल होता है उनके लिए, लेकिन नंदी जी ने भाई अपना बोल दिया, अपना रूप बदल लिया कि जब तक महादेव जी वापस नहीं आएंगे या वो ठीक से नहीं एक चीज़ें होंगी तब तक वो ऐसे ही रहेंगे, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। लेकिन एक एक देख रहे कि चक्री ने जाकर जैसे बातें सुनी, देवेंद्र ने सब कुछ बताया गंगा जी को और वहां पर चक्री ने सब सुनकर आकर इधर बता दिया है। लेकिन अब तारकासुर ने फिर वो काम कर दिया, वो यही चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके जो अभी पुत्री हुई है मैना जी को तो वो उनका कुछ ना कुछ उनके साथ करें, लेकिन देखते हैं आगे चीजें कैसे होती हैं या क्या नहीं है। इसमें कोई डाउट नहीं भाई कि एक हर चीज एकदम से चेंज हो चुकी है, क्योंकि एक एक तरफ खुशी भी है कि एक मतलब के आदि शक्ति का भाई जन्म हो चुका, और दूसरी तरफ भाई महादेव जी अभी भी मतलब के सैड हैं, वो एक काफी चीज जो है ना वो एक मतलब के देखी नहीं जाती, इसी वजह से अब भाई महादेव जी मतलब के अब आंसू भी आ रहे हैं और काफी सैड भी हैं, और चीजें हो जाएंगी चेंज जल्दी। लेकिन देख लो जैसे पैदाइश हुई उसके बाद भाई विष्णु जी के चेहरे के ऊपर भी मुस्कुराहट थी, लेकिन ये कि महादेव जी जो है ना वो थोड़ा परेशान थे और आंखों से आंसू आ रहे हैं, जो कि एक मतलब बड़ी दुख वाली बात है। बाकी उम्मीद है कि आप चीजें जो है ना वो बेहतर होंगी। तारकासुर ने तो आप भाई एक मतलब के भेजी है, एक भेजी है, अब पहले अब एक भेजी है, क्योंकि उसने भी भाई एक रूप और बदल करना एक मतलब के हमला तो करेगी, लेकिन भाई आगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है ना कि भाई आधी शक्ति है कि मतलब के एक वो टच भी नहीं कर पाएगी, बहुत मुश्किल है चीजें, लेकिन देखते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में कैसे चीजें होती है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक केयर।